हर साल 30 जून को वर्ल्ड सोशल मीडिया डे के रूप में मनाया जाता है, ताकि ये हाईलाइट किया जा सके कि सोशल मीडिया कम्युनिकेशन के लिए एक प्रमुख मीडियम के रूप में कैसे सामने आया है। दुनिया के कोने कोने से लोगों को जोड़ने से लेकर प्रभावशाली लोगों को अपने ब्रांड को प्रमोट करने में मदद करने और महत्वपूर्ण समाचार घटनाओं को कवर करने में पत्रकारों की सहायता करने तक सोशल मीडिया एक गेम चेंजर बन गया है। इसने दुनिया के कोने कोने से लोगों से जुड़ना इतना आसान बना दिया है कि बस एक क्लिक की देरी है। वहीं जब कोरोना महामारी ने दुनिया को अपनी दहशत से ग्रस्त कर रखा था, तब सोशल मीडिया लोगों की आस का एक जरिया बन के सामने आया और लोगों ने सोशल मीडिया से एक दूसरे की, जिन्हें वो जानते तक नहीं थे, दिल खोल के मदद की और इस तरह न जाने कितने लोगों की जान बचाई जा सकी। वहीं जैसे जैसे सोशल मीडिया की लोकप्रियता बढ़ी है, वैसे वैसे इसकी कई पहलुओं से जांच भी हुई है कि ये प्लेटफॉर्म किस दायरे में आते हैं। डेटा के उनके उपयोग, मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव, अभद्र भाषा, चुनाव परिणाम और फर्जी खबरों को लेकर विवादों के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पर्दे के पीछे की घटनाओं के साथ पारदर्शी होने का अधिक दबाव है। वर्ल्ड सोशल मीडिया डे का इतिहास। वर्ल्ड सोशल मीडिया डे पहली बार 30 जून 2010 को सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस और वर्ल्ड कम्युनिकेशन में इसके रोल पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मनाया गया था। मैशेबल को डिफरेंट कल्चर्स, मूवमेंट्स और फैंडम को जोड़ने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने के लिए जाना जाता है। पहला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था 6 डिग्री, जो कि 1997 में लॉन्च किया गया था और इसकी स्थापना एंड्रयू वेनरिच ने की थी। वेबसाइट ने यूजर्स को अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों को जोड़ने की अनुमति दी थी और इसमें बुलेटिन बोर्ड, स्कूल रिलेटेड और प्रोफाइल जैसी कई दिलचस्प फीचर्स भी थे। शुरुआत में फ्रेंडस्टर, माइस्पेस और फेसबुक का इस्तेमाल लोग संवाद करने और बातचीत करने के लिए करते थे, लेकिन अब ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, स्नैपचैट जैसे प्लेटफॉर्म का भी कॉम्प्रिहेंसिव रूप से इस्तेमाल किया जाता है। सोशल मीडिया के क्या है महत्व। कोई भी मैसेजिंग सर्विस ऐप पर हजारों मील दूर बैठे व्यक्ति से जुड़ा जा सकता है। ये ब्रांड को आगे बढ़ाने और विज्ञापन करने के लिए लोगों को कॉन्टैक्ट्स बनाने और ग्राहकों से जुड़ने में मदद करता है। सोशल मीडिया लोगों को बेहतर तरीके से समझने और संवाद करने में मदद करता है। तो ये थी सोशल मीडिया के बारे में कुछ खास बातें जो शायद आप आज से पहले नहीं जानते होंगे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सभी वीडियोस को लाइक और शेयर करें।